गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर कंप्यूटर क्लास वी रीड चैप्टर नंबर 5 मोर अबाउट कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ये चैप्टर हमारा है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर विद ए लॉन्ग वायर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ एक लंबी वायर के कारण के साथ अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। वी यूज इट टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर बाय सेलेक्टिंग एंड क्लिकिंग। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए, सेलेक्टिंग और क्लिकिंग के लिए। किसी चीज़ को सेलेक्ट करके या फिर उस पर क्लिक करके हम कंप्यूटर को इसकी हेल्प से कमांड देते हैं, आदेश देते हैं। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड ए माउस। क्या आप जानते हैं कि इसे माउस क्यों कहा जाता है? इट लुक्स लाइक ए माउस विद ए लॉन्ग टेल एंड मूव्स क्विकली ऑन द स्क्रीन। इट लुक लाइक, ये एक माउस की तरह दिखाई देता है, एक लंबी पूंछ के साथ और स्क्रीन पर मूव्स क्विकली, स्क्रीन पर बहुत जल्दी मूव करता है। मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए माउस। हम कंप्यूटर पर माउस की सहायता से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। रिमेंबर इट इज़ बेटर टू कीप ए माउस ऑन ए माउस पैड। ये अच्छा होगा कि माउस को माउस पैड के ऊपर ही रखा जाए। एज इट मूव्स वेल ऑन ए स्मूथ सरफेस, जिससे कि ये स्मूथ सरफेस पर अच्छे से मूव हो सके, ड्रैग इधर से उधर हो सके वो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के माउस अवेलेबल हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। एक बार जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इनको देखिए। ये देखिए, यहाँ पर माउस बॉल हाउसिंग, माउस बॉल हाउसिंग, ये माउस बॉल, ये बॉल की है, माउस की बॉल माउस। ये किस टाइप का माउस है? बॉल माउस। ये देखिए, ये सीधा नहीं है, उल्टा है। इस माउस में जो होती है बॉल जो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, ट्रैक बॉल माउस, ये माउस जो है ये क्या है? ट्रैक बॉल माउस। स्क्रोल माउस, ये कौन सा? स्क्रोल माउस। ये टू बटन माउस, सिर्फ टू ही बटन इसमें, देखिए टू बटन माउस। ये थ्री बटन माउस, इसमें थ्री बटन है, थ्री बटन माउस। लेट अस नाउ लर्न अबाउट देम। चलो अब इसके बारे में, इन्जॉय हमने माउस देखे, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं, लर्न करते हैं इसके बारे में। टू बटन माउस, टू बटन माउस क्या होता है, यूज़ क्या होता है उसका, ये हम इसमें अभी पढ़ेंगे। ए माउस विद टू बटन्स ऑन इट इज़ नोन एज ए टू बटन माउस। एक माउस जिसमें दो बटन होते हैं, क्या कहला उसको, किस ना कैसे जानते हैं? टू बटन माउस के नाम से उसको जानते हैं। इट हैज़ ए लेफ्ट माउस बटन एंड ए राइट माउस बटन। इसमें एक लेफ्ट माउस बटन होता है और एक राइट माउस बटन होता है। टू प्रेस द माउस बटन्स इज़ कॉल्ड क्लिकिंग। माउस बटन्स को प्रेस करना, दबाना क्या कहलाता है? क्लिकिंग कहलाता है।
ये देखिए, द माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स ऑफ द कंप्यूटर। माउस इनपुट डिवाइस है और किस में कनेक्ट होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर। सीपीयू में इसकी जो डाटा केबल होती है वो डाली जाती है। इनपुट डिवाइस आर दोज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर और कमांड्स टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर को ऑर्डर और कमांड्स देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा, पेज नंबर 34। राइट क्लिक, राइट क्लिक मींस पुश द बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द माउस। राइट क्लिक का मीन्स क्या होता है, जो राइट साइड का बटन है उस बटन को दबाना, पुश करना, ठीक है। लेफ्ट क्लिक मीन्स पुश द बटन ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट क्लिक का मीनिंग क्या होगा, जो बटन लेफ्ट साइड में है उसको पुश करना, उसको दबाना। यू विल यूजुअली यूज द बटन ऑन द लेफ्ट। आप जो है सामान्यतः किसका यूज़ करते होंगे, लेफ़्ट का, क्योंकि मोस्टली जो यूज़ होता है वो लेफ़्ट बटन का यूज़ होता है। राइट बटन का और स्क्रॉल व्हील का जो होते हैं हमारे, और जो बटन होते हैं उनका बहुत कम यूज़ होता है बेटा, लेकिन मोस्टली यूज़ क्या होता है, लेफ़्ट बटन का यूज़ होता है। सो टू बी ईजी पीपल ओनली से क्लिक वैन दे मीन लेफ़्ट क्लिक। सो ईजी, तो ये इजी है कि जब आप कोई कहता है कि क्लिक कीजिए तो वो आपको क्या करना होता है, लेफ़्ट क्लिक ही करना होता है, ठीक है। जब आपको कोई बोले कि क्लिक कीजिए तो आपको लेफ़्ट बटन ही होता है करना होता है, क्योंकि मोस्टली जो यूज़ होने वाला बटन कौन सा होता है, वो लेफ़्ट बटन होता है। अभी ये तो टू बटन माउस के बारे में था, अभी हमारा थ्री बटन माउस के बारे में रीड करेंगे। थ्री बटन माउस, ए थ्री बटन माउस इज़ जस्ट लाइक ए टू बटन माउस। एक थ्री बटन माउस जो होता है वो टू बटन माउस की तरह ही होता है। इन एडिशन टू ए लेफ्ट एंड ए राइट माउस बटन इट हैज़ ए सेंट्रल और मिडल बटन। इन एडिशन, बस उसमें क्या ऐड हो जाता है, बीच में एक लेफ़्ट और राइट माउस के बटन, सॉरी लेफ़्ट बटन और राइट बटन के बीच में एक, उसके सेंटर में एक बटन और ऐड हो जाता है। बाकी सारा किसकी तरह होता है, टू माउस बटन की तरह होता है। स्क्रॉल व्हील, सॉरी स्क्रॉल माउस। अब अगला कौन सा माउस हमारा, स्क्रॉल माउस। ए माउस हैविंग ए स्मॉल व्हील इंस्टेड ऑफ द मिडल बटन इज नोन एज ए स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस कौन सा होता है, वो माउस जो मिडल बटन की जगह जिसमें स्क्रॉल व्हील होता है, स्क्रॉल स्मॉल व्हील होता है, छोटा सा व्हील होता है जिसको ऊपर आगे पीछे घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो जो स्मॉल व्हील वाला होता है उसको स्क्रॉल माउस बोला जाता है। किसकी जगह होता है ये स्क्रॉल स्मॉल माउस व्हील, मिडल बटन की जगह। ये जो मिडल बटन हमारा इसमें है, सिर्फ इसकी जगह क्या हो जाता है, ये जो व्हील दिखाई दे रहा है ये आ जाता है, इसको स्क्रॉल माउस बोलते हैं। बाकी सारा थ्री बटन माउस की तरह होता है, सिर्फ ये चेंज हो जाता है इसका बीच वाला। मोस्ट ऑफ द माउस अवेलेबल टूडे इन द मार्केट आर स्क्रॉल माउस। आजकल जो मार्केट में मोस्टली मिलने वाले माउस हैं उनमें क्या होता है, स्क्रॉल माउस ही है, ठीक है। स्क्रॉल माउस मोस्टली मिलने वाला है, ज़्यादातर यही मिलता है, यही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल माउस, ट्रैक बॉल माउस। द माउस दैट हैज़ ए बॉल ऑन इट्स अपर साइड इज कॉल्ड ए ट्रैक बॉल माउस। एक माउस जिसमें ऊपर की साइड में एक बॉल होती है क्या कहलाता है, ट्रैक बॉल माउस। इट वर्क्स
like a normal mouse with an exception that the ball. सिर्फ बॉल को छोड़ के, जो बॉल होती है इसकी, इसको छोड़ के और बाकी का सारा जो होता है वो कैसे करता है, बाकी उसकी कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, सॉरी बाकी के माउस की तरह ही काम करता है सिर्फ इस बॉल को छोड़ के, ठीक है. इज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द माउस विच हेल्प टू मूव द कर्सर. ये क्या करता है, ये इसकी कर्सर को इधर से उधर मूव करने में हेल्प करता है. ये था हमारा ट्रैक बॉल माउस. नेक्स्ट है बाल माउस. बाल माउस, इफ यू टर्न द माउस अपसाइड डाउन यू फाइंड ए बाल इनसाइड इट. बाल माउस को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो आपको इसके अंदर एक बॉल दिखाई देगी. व्हेन यू displays the mouse this ball also move. जब आप इसको इस माउस को एक जगह से दूसरी जगह भी लाओगे तो ये बाल अपने आप मूव होगी. It uses the mouse cursor to move in the desired डायरेक्शन. और ये माउस के कर्सर को डिज़ायर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में माउस कर्सर को लेके जाएगी. ये जो बॉल होती है ये नीचे की तरफ होती है, आपको इसे देखने के लिए माउस को उल्टा करके देखना होगा. तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32, 33 एंड 34 आपको अपनी बुक से रीड करना है, अच्छे से समझना है एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.